हेलो फैंस, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं लेफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल के बारे में, जैसे कि हम इस सेटिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फैंस, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फैन जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे फैन सेटिंग पर। सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं सिस्टम सेटिंग पे जाएंगे। सिस्टम सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लेफ़्ट टू ईयर टू आंसर कॉल, तो आप इसे ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये देखिए लेफ़्ट टू ईयर टू आंसर कॉल, यानी कि आप यहाँ से अपने लेफ़्ट ईयर पर आपका फ़ोन होगा तो आप उसका आंसर दे पाएंगे। इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और ऑफ़ करना चाहते हैं ऑफ़ कर सकते हैं इस तरीके से। और फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो एक और तरीका है, उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं सर्च वाले ऑप्शन पर जाना है और आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। क्या सर्च करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं लेफ़्ट टू ईयर टू आंसर कॉल, तो आप इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका क्लिक हो जाएगा और यहाँ पे ऑन करेंगे और इसे यूज़ कर सकते हैं। ऑफ़ करना चाहते हैं ऑफ़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।